सभी को गुड मॉर्निंग। जसवीर मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, कल हम बात कर रहे थे न्याय की, और न्याय में भी कल हम जॉन रोल्स के न्याय संबंधी विचारों का अध्ययन कर रहे थे। किसका? जॉन रोल्स का। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, उससे पहले मैं कल जो जॉन रोल्स के बारे में न्याय संबंधी विचार बताए थे उसका थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जॉन रोल्स जो है उसने अपने न्याय संबंधी विचार अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिए थे। जॉन रोल्स की जो पुस्तक थी वो क्या थी? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रोल्स ने अपने से पहले परंपरागत न्याय का क्या किया है? विरोध किया है। जॉन रोल्स के जो न्याय संबंधी विचार हैं वो दो मान्यताओं पर आधारित है। कल हमने बात की थी, नंबर एक, अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना, और दूसरी जो जॉन रोल्स की मान्यता है वो क्या थी? अज्ञानता का पर्दा। अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना, इसमें मैंने बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वैसी स्वतंत्रता दूसरे व्यक्तियों को भी क्या होती है? प्राप्त। जैसे मेरे पास अधिकतम स्वतंत्रता है, लेकिन मेरे जैसी स्वतंत्रता आपके पास भी है, या मैं कह सकता हूँ कि अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं की स्वतंत्रता के लिए क्या है? आवश्यक। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था जॉन रोल्स का वो था अज्ञानता का पर्दा। अज्ञानता का पर्दा, अज्ञानता का पर्दा, इसमें क्या है? अज्ञानता का पर्दा का मतलब होता है कि व्यक्ति को अपनी वर्तमान स्थिति की जानकारी नहीं है। कोई भी व्यक्ति, उसे अपनी वर्तमान स्थिति की जानकारी नहीं है, इसका मतलब क्या छाया हुआ है? अज्ञानता का पर्दा। यानी कि उसको ये नहीं पता कि मेरी आवश्यकता क्या है, मेरी संपत्ति क्या है, क्या मेरे को चाहिए, क्या मेरे को नहीं चाहिए। कहने का मतलब वो अपनी वास्तविक स्थिति से बिल्कुल भी जानकार नहीं है, वो अपनी वास्तविक स्थिति को बिल्कुल भी नहीं जानता है। जब कोई भी व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं जानता या अपनी वास्तविक स्थिति की उसे जानकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के तथा बिना स्वार्थ के क्या करेगा? समझौता। और जब व्यक्ति बिना स्वार्थ के और बिना भेदभाव के समझौता करता है तो याद रखना, हमेशा लाभ किसको पहुंचेगा? उस व्यक्ति को पहुंचेगा जो किस स्थिति में है? हीनतम स्थिति में है। कौन सी स्थिति में? हीनतम स्थिति, या मैं कहूं जो बिल्कुल क्या है? पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल क्या है? पिछड़ा हुआ है। और वास्तविक रूप में न्याय की प्राप्ति कब होगी? वास्तविक रूप से न्याय की प्राप्ति तभी होगी जब जो व्यक्ति हीनतम स्थिति में है या पिछड़ा हुआ है उसको अधिक से अधिक क्या मिलना चाहिए? लाभ। ये थे हमारे जॉन रोल्स से संबंधी न्याय के विचार। अब आज हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय। जब हमने न्याय के प्राचीनतम विचारों को पढ़ा, जिसमें हमने प्लेटो और अरस्तु के बारे में अध्ययन किया, फिर हमने मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार पढ़े, जिसमें हमने संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास को पढ़ा, फिर हमने आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार पढ़े, जिसमें हमने डेविड ह्यूम को पढ़ा, जे एस मिल को पढ़ा और जेरेमी बेंथम को पढ़ा। उसके बाद में हमने जॉन रोल्स के न्याय संबंधी विचार पढ़े। अब हम बात करेंगे, जब हमने सब पढ़ लिए तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी न्याय का अध्ययन करना बहुत ही क्या है? आवश्यक। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय को बहुत ही विशेष स्थान एवं महत्व प्रदान किया गया है। महत्व प्रदान है। क्या कहा मैंने? कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय को विशेष एवं महत्व प्राप्त है या महत्व प्रदान किया गया है। इसका मतलब न्याय की अवधारणा भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी क्या है? प्रमुख। जिस प्रकार से हम
न्याय के बाकी विचार पढ़े उनमें हमने किसी न किसी प्रतिपादक को पढ़ा। उसी प्रकार से अगर मैं भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय के प्रमुख प्रतिपादकों की बात करूं, तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय के जो प्रमुख प्रतिपादक थे वो कौन कौन से थे, इस बात को जरा विशेष ध्यान से देखना। सभी नाम सुने हुए हैं आपको, जैसे मनु, कौटिल्य, शुक्र, भारद्वाज, सोमदेव, विदुर। ये कुछ भारतीय विचारक हैं जिन्होंने न्याय को बहुत ही प्रमुख स्थान दिया है। कौन कौन है भारतीय राजनीतिक विचारक? मनु, कौटिल्य, शुक्र, सोमदेव, भारद्वाज, विदुर आदि। ये भारतीय राजनीतिक विचारक जो हैं ये न्याय को क्या मानते हैं? राज्य का प्राण मानते हैं। न्याय को राज्य का क्या मानते हैं? प्राण। न्याय को अगर राज्य का प्राण मानते हैं, इसका मतलब ये राजनीतिक विचारक न्याय को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे अगर मानव के शरीर से प्राण ही निकल जाए, तो मानव के पास कुछ बचेगा नहीं। उसी प्रकार से प्राणों जैसे महत्व किसको दिया? न्याय को। और न्याय को प्राणों जैसा महत्व देने वाले विचारक कौन कौन थे? मनु, कौटिल्य, शुक्र, सोमदेव, भारद्वाज और विदुर। ये बात हुई हमारे प्रमुख प्रतिपादकों की, किसमें? भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय। अब देखो, भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो जरा ध्यान से देखो, प्राचीन भारतीय चिंतन की अवधारणा में किसको? धर्म का जो प्रयोग है वो किसके समान हुआ है? न्याय के समान हुआ है। इस बात को थोड़ा सा गौर से देखो कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में, या मैं कहूँ प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की अवधारणा में धर्म का जो प्रयोग है वो किसके समान हुआ है? न्याय के समान। यानी कि धर्म और न्याय को क्या माना है? एक समान। कैसे? न्याय का मतलब ही क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा क्या करना? अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्राचीन अवधारणा में धर्म का मतलब भी क्या है? अपने कर्तव्यों का क्या करना? पालन करना। तो अगर छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि राजनीति विज्ञान की प्राचीन अवधारणा के अनुसार न्याय का प्रयोग किसके समान हुआ है, तो किसके समान हुआ है? धर्म के समान। यानी कि धर्म का प्रयोग न्याय के समान किया गया है। अब थोड़ा सा मैं और बढ़ूं, अब हम ये जानना चाहें कि धर्म का प्रयोग न्याय के समान क्यों हुआ है? इसके पीछे क्या कारण है? जरा ध्यान से देखो, इसके पीछे ये कारण है कि धर्म की जो प्राचीन भारतीय अवधारणा है, वो व्यक्ति को अपना नियत स्थान तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराती है। देखो, धर्म की प्राचीन भारतीय अवधारणा व्यक्ति को अपना नियत स्थान तथा कर्तव्यों का क्या कराती है? ज्ञान। यानी कि धर्म की अवधारणा व्यक्ति को यह बताती है कि मेरे कर्तव्य क्या है, मेरा नियत स्थान क्या है। इसलिए धर्म का प्रयोग किसके समान किया गया है? न्याय के समान किया गया है।
इतनी आपको बात को समझ में आया गया हो गया। अगर इससे आगे मैं चलूं, ये जो दो विचारक हैं कौन कौन से हैं, नंबर एक मनु और नंबर दो कौन सा, कौटिल्य। अगर मैं मनु और कौटिल्य की बात करूं तो मनु और कौटिल्य जो हैं, यहां से आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि मनु और कौटिल्य, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मनु और कौटिल्य न्याय की निष्पक्षता तथा सत्यता पर बल देते हैं, न्याय की निष्पक्षता तथा सत्यता पर क्या देते हैं, बल देते हैं। फिर से अगर आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्राचीन भारतीय विचारकों में कौन कौन से विचारक हैं जो न्याय की सत्यता और निष्पक्षता पर बल देते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, मनु और कौटिल्य। इसके अलावा मनु और कौटिल्य की एक बहुत ही अच्छी कोटेशन है, और वो कोटेशन क्या है जरा विशेष ध्यान से देखना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे मनु और कौटिल्य न्याय के बारे में क्या कहते हैं। मनु व कौटिल्य के अनुसार देखो क्या लिखा, जो राजा पृथ्वी पर अपनी प्रजा के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं कर सकता, वह जीवित रहने योग्य नहीं है। इस कोटेशन से आपको यह समझ में आएगा कि न्याय को मनु और कौटिल्य ने कितना महत्वपूर्ण माना है। क्या लिखा, जो राजा पृथ्वी पर अपनी प्रजा के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं कर सकता, वह जीवित रहने योग्य नहीं है। यानी कि राजा का कर्तव्य क्या है कि अपनी प्रजा के लिए किसकी व्यवस्था करना, न्याय की। और जो राजा पृथ्वी पर अपनी प्रजा के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं कर सकता, मनु और कौटिल्य कहते हैं कि उनको जीवित रहने का अधिकार नहीं है, यानी कि उनको जीवित रहने के योग्य नहीं है। वो जीवित रहने योग्य या उनको जीवन जीने का अधिकार तभी है जब वो अपनी प्रजा के लिए किसकी व्यवस्था करेंगे, न्याय की व्यवस्था करेंगे। अब देखो जरा थोड़ा सा आगे मैं और चलूं तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय का जो स्वरूप है वो कैसा है, कानूनी। या मैं कह सकता हूं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय के कानूनी रूप को क्या किया गया है, स्वीकार। इंपॉर्टेंट बात है, जरा याद रखना कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय के किस स्वरूप को स्वीकार किया गया है, तो याद रखना कानूनी स्वरूप को। लेकिन अगर मैं इसकी तुलना करूं किससे, प्लेटो से, कि प्लेटो की जो न्याय थी उसका स्वरूप कैसा था, तो प्लेटो की जो न्याय है वो आपने देखी होगी, प्लेटो की न्याय का स्वरूप था राजनीतिक और कौन सा, सामाजिक। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि प्लेटो की न्याय का स्वरूप कैसा था, राजनीतिक और सामाजिक। और अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय का स्वरूप क्या था, तो आपका आंसर क्या होगा, कानूनी स्वरूप। अब देखो ये हुई भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय। ध्यान से सुनो मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने कहा कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय को प्रमुख या मैं कहूं कि विशेष स्थान दिया गया है। सीधी सी बात आपके सामने ही है कि इसको महत्वपूर्ण माना कि नहीं माना। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो भारतीय चिंतन में न्याय के जो प्रतिपादक हैं वो कौन कौन हैं, अभी अभी हमने बात की थी मनु
कौटिल्य, शुक्र, सोमदेव, भारद्वाज और विदुर की, ये आदि प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने न्याय की अवधारणा का क्या किया प्रतिपादन, न्याय संबंधी क्या किए, अपने विचार व्यक्त किए। उसके बाद में हमने बात की कि प्राचीन भारतीय अवधारणा में धर्म का प्रयोग किसके समान हुआ है, कानून के समान। क्यों? क्योंकि धर्म की जो प्राचीन भारतीय अवधारणा है वो व्यक्ति को किसका ज्ञान कराती है, अपने कर्तव्यों का और अपने नियत स्थान का क्या कराती है, ज्ञान कराती है। उसके बाद में हमने बात की थी मनु और कौटिल्य की, दो प्रमुख विद्वान भारत में, मनु और कौटिल्य। मनु और कौटिल्य ने किस पर बल दिया है? छोटा सा क्वेश्चन अगर आपके सामने मैं रखूं, अभी अभी मैंने बताया था आपको, मैं कहूं कि मनु और कौटिल्य ने किस पर बल दिया है तो आप क्या कहोगे, मनु और कौटिल्य ने न्याय की सत्यता और निष्पक्षता पर क्या दिया है, बल। इसी प्रकार से मनु और कौटिल्य ने न्याय की एक और कोटेशन दी, वो क्या, कि जो राजा पृथ्वी पर अपनी प्रजा के लिए, कौन, जो राजा पृथ्वी पर अपनी प्रजा के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं कर सकता वह राजा जीवित रहने योग्य नहीं है, उसे जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। फिर मैंने कहा भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय का स्वरूप कैसा है, तो याद रखना भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय का स्वरूप कानूनी है, और प्लेटो की जो न्याय का स्वरूप वो कैसा था, राजनीतिक और सामाजिक। यहाँ से छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे कई पूछ जा सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय की अवधारणा को क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। ये हुई हमारी न्याय। अब हम पढ़ेंगे न्याय के विविध रूप। अब क्या पढ़ेंगे, अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा न्याय के विविध रूप। न्याय के विविध रूप, न्याय के विविध रूप, ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पीछे सीधा सा कारण आपके सामने है कि न्याय के विविध रूपों से हमारे बोर्ड एग्जाम ...2018, 2019 और 2020 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर 2018 में भी क्वेश्चन आया, 19 में भी क्वेश्चन आया और 20 में भी क्वेश्चन आया, तो निश्चित रूप से न्याय के विविध रूप हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो न्याय के विविध रूप, अगर मैं न्याय के परंपरागत स्वरूप की बात करूँ, पहले की बात करूँ, तो न्याय के परंपरागत स्वरूप में मुख्य प्रकार से दो अवधारणाएं प्रचलित थी। कितनी? दो। अगर न्याय के मैं परंपरागत स्वरूप की बात करूं तो न्याय के दो अवधारणाएं ही प्रचलित थी, और वो दो अवधारणाएं कौन कौन सी थी, जरा ध्यान से देखो। नंबर एक नैतिक न्याय, और अगर मैं दूसरी न्याय की बात करूं तो वो क्या थी, कानूनी न्याय। यहां से फिर से क्वेश्चन बनता है कि न्याय के परंपरागत स्वरूप में न्याय की कितनी अवधारणाएं प्रचलित थी, या कहूं कि न्याय की कौन कौन सी अवधारणाएं प्रचलित थी, तो न्याय की दो अवधारणाएं प्रचलित थी, नंबर एक नैतिक न्याय और नंबर दो कौन सा, कानूनी न्याय। ये तो हुआ न्याय का कौन सा स्वरूप, परंपरागत। लेकिन अगर मैं बात करूं न्याय के वर्तमान स्वरूप की, तो याद रखना न्याय का जो वर्तमान स्वरूप है वो काफी व्यापक है, वो काफी क्या है, व्यापक। यानी कि इस व्यापक स्वरूप में न्याय की केवल दो अवधारणाएं प्रचलित नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी न्याय के अन्य स्वरूप भी हैं, या मैं कह सकता हूं कि नैतिक न्याय और कानूनी न्याय के अलावा भी न्याय के स्वरूप हैं। तो अगर परंपरागत स्वरूप की अवधारणाएं पूछ ली जाए तो आपको याद क्या रखना है, नैतिक न्याय और कानूनी न्याय। जब मैं आपको न्याय का भी आधुनिक स्वरूप बताऊंगा या वर्तमान स्वरूप बताऊंगा तो नैतिक न्याय की और कानूनी न्याय की दोनों की व्याख्या करूंगा, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि न्याय का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें न्याय के कौन कौन से स्वरूप प्रचलित हैं। तो न्याय के जो वर्तमान स्वरूप हैं वो मैंने कहा कि ना केवल दो अवधारणाएं प्रचलित हैं, बल्कि वो स्वरूप क्या हो गया, व्यापक। अब उस व्यापक स्वरूप की मैं बात करूं तो हम देखेंगे न्याय के कौन कौन से रूप विद्यमान है। देखो
दो स्वरूप तो अभी अभी आपने देखे थे, वो लिख दो। सबसे पहले हमने लिखा था क्या, नैतिक न्याय। दूसरा हमने लिखा था कानूनी न्याय। तीसरा अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ राजनीतिक न्याय। इसके आगे हम कह सकते हैं सामाजिक न्याय, और उसके बाद में मैं कह सकता हूँ कौन सी न्याय, आर्थिक न्याय। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि परंपरागत न्याय में हमने केवल दो ही स्वरूप देखे थे, नैतिक न्याय को और कौन सी न्याय को, कानूनी न्याय को। लेकिन आधुनिक न्याय का या वर्तमान न्याय का स्वरूप है वो केवल नैतिक न्याय और कानूनी न्याय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमें साथ के साथ किसका अध्ययन करना पड़ेगा, राजनीतिक न्याय का, सामाजिक न्याय का, और किसका, आर्थिक न्याय का। अब हम बारी बारी से इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नैतिक न्याय क्या होती है, फिर हम बात करेंगे कानूनी न्याय की, फिर हम बात करेंगे राजनीतिक न्याय की, फिर हम बात करेंगे सामाजिक न्याय की, और बाद में बात करेंगे किसकी, आर्थिक न्याय की। तो ये है न्याय के क्या स्वरूप। न्याय के जो ये स्वरूप हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्वरूप है वो कौन सा है, कानूनी न्याय। वो कौन सा है, कानूनी न्याय। आप कहोगे कैसे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2018 और 2019 और 19 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो कहाँ से पूछा गया, कानूनी न्याय से। अभी अभी जो एग्जाम हुआ 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो किससे पूछा गया था, आर्थिक न्याय का। और अब की बार क्वेश्चन क्या था कि आर्थिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। और 2018 और 19 में कानूनी न्याय से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि न्याय के ये सभी स्वरूप ही आपके लिए क्या हैं, महत्वपूर्ण है, सभी को ध्यान से देखना है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे कौन सी न्याय की, नैतिक न्याय की। सबसे पहले हम बात करेंगे नैतिक न्याय की, उसके बाद में देखेंगे कानूनी न्याय। अब हम बात करेंगे किसकी, नैतिक न्याय की। अगर नैतिक न्याय की मैं बात करूं तो नैतिक न्याय की सीधी सी परिभाषा है, देखो क्या है, परिभाषा से समझना आपको। प्राकृतिक नियमों एवं प्राकृतिक अधिकारों, प्राकृतिक नियमों एवं प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। जरा ध्यान से देखो, नैतिक न्याय की हमने परिभाषा क्या लिखी, प्राकृतिक नियमों एवं प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही क्या है, नैतिक न्याय है। अब मैं बात करूंगा कि प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकार से आपका मतलब क्या है। प्राकृतिक नियम या प्राकृतिक अधिकार, इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियम, या मैं कहूँ कि प्रकृति के द्वारा बनाए गए कानून, यानी कि जो बहुत पहले से चले आ रही है। नैतिक न्याय जो है वो किस पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित है। नैतिक न्याय जो है वो किस पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित है। अब आपके दिमाग में यहां से क्वेश्चन उठ रहा होगा कि नैतिकता का मतलब क्या हुआ। नैतिकता का मतलब, बहुत से राजनीतिक चिंतक हैं, सभी राजनीतिक चिंतकों ने नैतिक सिद्धांत के कौन कौन से गुण माने हैं, देखो कुछ गुण लिख रहा हूं मैं, जैसे सत्य,
अहिंसा, करुणा, उदारता, ये सारे के सारे गुण हैं। जैसे सत्य हुआ, अहिंसा, करुणा, उदारता, या दूसरे शब्द में कहूँ हमेशा सच बोलना, या मैं कहूँ सत्य का प्रयोग करना, प्राणी मात्र के प्रति, जीव के प्रति दया का क्या रखना भाव, अगर ये गुण हैं इसका मतलब वो न्याय कौन सी है? नैतिक न्याय है। वो न्याय कौन सी है? नैतिक, क्योंकि हमारी प्रकृति भी क्या कहती है कि जीवों के प्रति क्या रखो, दया भाव रखो। इसका मतलब अगर ये गुण है तो हम कौन सी न्याय कहेंगे? नैतिक न्याय। अगर मैं दूसरे शब्दों की बात करूँ नैतिक न्याय में, तो जो व्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति का आचरण अगर कैसा होता है, सदाचार, सदाचार पर व्यक्ति का आचरण निर्धारित होता है, अच्छा आचरण होता है, या मैं कहूँ जो मनुष्य किसके अनुकूल होता है, समाज के अनुकूल। और समाज के अनुकूल का मतलब आप समझ गए होंगे कि ना केवल वो अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है बल्कि दूसरों के हित के बारे में सोचता है। अगर व्यक्ति अपने स्वार्थ के बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचेगा तो निश्चित तौर पर उस न्याय को हम क्या कहेंगे? नैतिक न्याय कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति जिसका आचरण सदाचार नहीं होता, अच्छा आचरण नहीं होता, और वो समाज के अनुकूल नहीं रहता है, तो वो उसको हम नैतिक न्याय की संज्ञा नहीं दे सकते। तो नैतिक न्याय का मतलब सत्य, अहिंसा, करुणा, उदारता, ये सभी जो प्रमुख गुण हैं ये कौन सी न्याय के हैं? नैतिक न्याय के। आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे कानूनी न्याय। आज मैंने जो भी पढ़ाया है इसका जरा ध्यान से रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी आए करेंगे कल। धन्यवाद।